शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से। क्या हुआ चाची, किसका फोन था? अरे अभय जल्दी आओ। अभय क्या हुआ, मम्मी क्यों चिल्ला रही हो? हमारे दुकान में आग लग गई है। उलझी तो देखिए आ क्या रहा नतीजा सामने। तुम आरती को फोन कर रहे हो या मैं तुम्हारे घर जाकर बहुत प्यार से तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे इन करतूतों के किस्से सुना रहे? देखो ना श्रद्धा, तुम्हारा खास दोस्त तुमसे मिलने घर आया है और ये पतिदेव बीच में आके घूर रहे हैं। अरे ये तो मारने वाले थे मुझे। जाओ यहां से और इसे भी साथ लेकर जा। तुम दोनों का ये जो भी है ना, तेरे घर के बाहर। सही है, ये तो खुद ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? निकलो यहां से, बहरे हो क्या? ये क्या श्रद्धा, तुम भी तो मेरे घर आई थी तो देखो आज मैं आ गया तुम्हारे घर। निकल जाओ वरना मेरे हाथों से आज बाहर आ जाएगा तू। अरे पागल हो गया क्या? तुमने कहा था तुम्हारी बहन को मॉडलिंग करें, इसलिए मैं कीर्ति से मिलने यहां आया हूं, मगर ये तो कीर्ति नहीं है क्या घर पे? कोई नहीं, बाद में आता हूं। हम सबके सामने भोलेपन की तस्वीर बना के क्या से क्या बन गए ऋतु। अपने साथ अपनी बहन को भी कीचड़ में घसीटोगी क्या? क्या क्या कह रहे हैं अबे? अच्छा हुआ घर वाले आज घर पर नहीं, ये सब देख नहीं पाते। कीर्ति, मैं जानती हूँ तू तो कुणाल से मॉडलिंग के काम के बारे में बात कर रही थी ना। वो मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कीर्ति कि ये सब अब पुरानी बातें हैं, तेरी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी आ रही है। जानती है कीर्ति, कभी कभी हमें नहीं पता होता है लेकिन माता रानी सब जानती है। वो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है और देख तो सही दिशा में आगे बढ़ भी रही है। देख कीर्ति, इस घर में अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। वरुण जी को उनकी नौकरी मिल गई, घर वाले भी पिछली सारी बातें भुलाकर तुझे दोबारा से अपना रहे हैं। अब ऐसे में उस कुणाल की बातों में आकर वरुण जी के साथ अपना रिश्ता दोबारा से कमजोर मत पड़ने दे। दीदू, हमें पता है कि हमने छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियां की हैं, पर अब ऐसी कोई गलती हम नहीं करेंगे। अपना ख्याल रख, चलती हूँ।
क्या हुआ कीर्ति? किसका मैसेज है? वो वरुण जी का। वो पूछ रहे हैं कि घर आते टाइम कुछ हमारे लिए लेकर आना है कि नहीं। अपना ख्याल रखना। You have been selected for the ad. Contract घर पे भिजवा दूंगा। Good morning, बीवी। मेरी बीवी। चलो। क्या कर रहे? गलत घर में हो तुम जाओ ना यार। तुम्हारी इस घर में ना किसी को कोई जरूरत नहीं। तुम ना उसके पास जाओ। पसंद है ना तुम्हें? उसका घर पसंद है ना तुम्हें? मेरे घर क्यों लाए? बहन से मिलवाया उसे। ड्रामा क्यों? बेशरम मेरी बीवी। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने इतनी रात को? घर में सब सो रहे हैं, उठ जाएंगे। अरे शरम कहाँ है आपके? शरम कहाँ है आपके? महान देवी के शरम पड़ने मेरे को। अभय, अरे अभय, एक तरफ वो है, एक तरफ मैं हूं। देवी को दोनों की चिंता है। कौन बोलेगा ये सब एक ड्रामा है? क्या भाई? तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं तेरा बड़ा गधा हूं, गधा। रिश्ता तोड़ने गया था, छोड़ आया। अरे दोस्ती कर बैठा तुमसे। तुम शादी के बाद रिश्ता ही तोड़ दिया। मेरी दोस्ती को लाज मार दी तुमने। धोखेबाज हो तुम। मेरी बीवी। अरे अरे तुम्हारी ही कमी थी, दूसरों को दुख पहुंचा के उनकी जिंदगी बर्बाद करके खुद ये मगरमच्छ के आंसू। मेरी बीवी। तालियां। बस अब है। तुम जाओ यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। अब और तकलीफ नहीं दूंगी मैं आपको, बहुत जल्दी इस घर से चली जाऊंगी मैं। आपके मनपसंद लड्डू नहीं खाइए। ये इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तुझे अपनी सेहत का और ज्यादा ध्यान रखना है पापा। अरे श्रद्धा बेटा, आइए बैठिए ना। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक पापा। अपना बहुत ध्यान रखो। अच्छा सक्षम भाई साहब, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपकी बेटी का घर है, किन औपचारिकताओं में फंस गया जो इतना सारा सामान ले आए? अरे वो तो यशवी जी नहीं है, वरना जिस औपचारिकता की आप बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी खुशखबरी में तो हमारे यहाँ उत्सव हो जाता है, बैंड बाजे वाला। वही अकेले मुझे जो समझ में आया वो ले आया मैं। हम भी यशवी जी का ही इंतजार कर रहे हैं, बस वो आ जाए उसके बाद कीर्ति की गोद भराई की जिम्मेदारी हमारी। जी बिल्कुल। वैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी दीदू कब खुशखबरी सुनाएंगी। बताओ ना दीदू। हमने क्या कुछ गलत पूछ दिया क्या? सब ऐसे क्यों चुप हो गए? अरे पर हमने तो बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ऐसे हमारी और दीदू की शादी एक ही दिन तो हुई है, तो फिर दीदू चलता हूं भाई साहब, ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं। नमस्ते। कीर्ति तू इतनी बड़ी हो गई है, मां बनने वाली है, फिर भी कब कहां क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये तो सोच लिया करना। अरे हम तो उसे ही पूछा कि आप कब खुशखबरी सुना रही हैं, इसमें गलत क्या है? भाभी वैसे इस लड़की के मुंह से निकली हुई हर बात हमें गलत ही लगती है, लेकिन आज आपकी होनहार सर्वगुण संपन्न बहू के आगे नैना भाभी की दुष्ट बहू बाजी मार गई। हम तो बस बता रहे, पहली खुशखबरी इनके नाम पर हुई है। घर में बहू तो आ गई, लेकिन पता नहीं हम कब सबको खुशखबरी सुनाएंगे, हम कब सबको मिठाइयां बांटेंगे। श्रद्धा बेटा देखो, विज्ञान ने ना काफी तरक्की कर ली है, तो कोई भी कमी अगर है तो उसका इलाज है। तो एक बार अभय के पापा की तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर हम तुमको डॉक्टर के पास जरूर ले जाएंगे, ठीक है? बेटा ऐसा है ना कि हमारे कान भी ना दादी सुनने के लिए तरस गए हैं। वैसे तो हर मामले में तुम बहुत ही होशियार हो, लेकिन पता नहीं कैसे इस मामले में कीर्ति ने बाजी मार ली। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम थोड़े पीछे रह गई हो, लेकिन जल्द ही ना हमें खुशखबरी दे ही देना। भाभी भी कमाल है हमारी,
आपको पता है मम्मी, हमारी भाभी को ना दूसरों के साथ साथ अपनी कमियाँ अच्छे से पता है, लेकिन उससे भी कमाल की बात ये है कि भाभी को ना इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, सही कहा ना भाभी? आरती, ये क्या तरीका अपने भाभी से बात करने का? मम्मी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जैसे आपका मन करता है कि आपको कोई दादी दादी कहकर बुलाए, तो वैसे मेरा भी तो मन करता है ना कोई हो जो मुझे बुआ बुआ कहकर बुलाए। और वैसे भी अब कब तक इंतजार करूं मैं? अच्छा, तो तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है? और वैसे भी शादी तो अभी हुई है ना। कमाल है मम्मी, जो चीज आप खुद करते हो वो आप मुझे करने से कैसे मना कर सकते हो? इसीलिए क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो। श्रद्धा बेटा, तुम ना यहाँ का काम सब खत्म करो और तुम पहले हमारे साथ चलो। आओ। जी, कृति त्रिपाठी। जा। माँ बाप, पति, भाई बहन सब तो कानपुर में है। कीर्ति को चिट्ठी किसने भेजी होगी? देखिए क्या? देख लेते। बुआ जी, हमारा है। और वैसे भी किसी और का लिफाफा ऐसे नहीं खोलते, अच्छी बात नहीं होती है। क्या बोल रही हो तुम, किसी और का? कीर्ति, तुम खुद को पराया क्यों कर रही हो? देखो, परिवार में तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सब कुछ साझा होता है। और जिस हिसाब से तुम हड़बड़ा रही हो, हमें देखना पड़ेगा किसकी चिट्ठी है। बताओ, चलो बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो जी हम हड़बड़ा रहे नहीं, तो वो ना माँ का, माँ की चिट्ठी है। हम थोड़ा ना भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी? कि क्या तरीका अपने भाभी से बात करने का? मतलब जो भी मुंह में आए बक दो। अरे हम थे ना वहां, बोल रहे थे। पर मम्मी मैं तो बस बस। और बात करने का भी एक तरीका होता है। माना कि हम ताने मारते हैं, लेकिन हम प्यार से पुचकारते भी हैं, समझी कुछ? समझ गए। गलती हो गई मुझसे कि मैं आपके चक्कर में आपकी बातों में आ गई। आगे से गलती बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ जा रही है? मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। इसे क्या हुआ? अरे तू उसे छोड़, तू यहाँ के बैठ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए मम्मी। देखो बेटा, हमें ना बातों को गोल गोल घुमाना नहीं आता है, तो हम सीधे सीधे कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द पोता चाहिए। क्या इस घर में सबके सब पागल हो गए हैं क्या? सबने अपना ही सुर पकड़ के रखा है। अरे ऐसा कौन सा सुर हमने पकड़ लिया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अरे बेटे के शादी के बाद पोते की ख्वाहिश रखना गुनाह है क्या? मम्मी यार। अरे मम्मी मम्मी, हमने बहुत सुन लिया, अब हमें सिर्फ दादी दादी सुनना है, वो भी अपने पोते के मुंह से। हाँ, और वैसे भी हम ही कहे पीछे रहे हर चीज में। आज तो वो नैना भाभी ने भी हमें ताने मार दिए। अरे हमें जो कहना था ना, हमने कह दिया, बस अब हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ कभी कभी आप क्या बोलती है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी आप जानती हैं कितनी परेशानियों का बोझ है मेरे कंधे पे। भगवान के लिए इन्हें और मत बढ़ाइए।
अपने पैसे अपने पास रखो। अपने घर वालों की जरूरतें पूरा करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। पता नहीं किसके पैसे कहाँ से क्या क्या करके ले आओगी। लगता है अभय और श्रद्धा के बीच में मामला गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। नियम और शर्तें, कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने से पहले अगर मॉडल गर्भवती होती है तो तत्कालीन रूप से समझौता रद्द कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। स्वीटू, ये देखो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आजकल बच्चों के लिए क्या क्या आ गया। जो मुझे दिखाना है ना, उसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या हमारे बेबी को कोई भी तकलीफ पहुंचे। बैठो। ये देखो, 3 महीने के बच्चों के लिए इतने सारे खिलौने आ गए। ये देखो, हमारे टाइम में तो वो झुंझुना पकड़ा देते थे, याद है? ये देखो, बहुत कुछ लेके आ। और ये देखो, अगर लड़की हुई तो उसके लिए क्यूट सी फ्रॉक, अच्छी है ना? और अगर लड़का हुआ तो ये छोटे से बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े। और ये देखो, स्वीटू, ये क्या? तुम्हें पता है तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। तुमने कहा था तुम्हारी बहन को मॉडलिंग करनी, इसलिए मैं कीर्ति से मिलने यहां आया हूं, मगर ये तो हमें जल्द से जल्द पोता चाहिए। क्या ये सब? अरे, आपका हाथ जल गया, दिखाइए। अपना ये नाटक बंद करो। भूल क्यों जाती हो? मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी पे दबाव बनाने के बच्चे के लिए? अरे, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मैंने मम्मी जी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास करूं? तुम्हारा विश्वास करूं मैं? मेरे विश्वास की तुम चिंता छोड़ दो। तुम ये सोचो, जिस दिन मम्मी को तुम्हारे उस लवर के बारे में खास दोस्त के बारे में पता चलेगा, तो वो तुम्हारा विश्वास करेंगी? शायद तुमसे नफरत। क्या तमाशा है ये? अपनी तारीफ करवाने के लिए उन्होंने पापा को 2 लाख रुपए का चेक दिया। कसम खा के रखी है तुमने मेरा जीवन हराम करने की। जिस चीज के लिए मना करते हो वही करती हो। शांति से बात नहीं होती क्या तुमसे? कैसे होगी पापा, आपकी ये लाडली बहू इस घर की शांति उड़ाने लगी है, मेरे जीवन की, मेरे दिमाग की। कहा था ना मैंने, मैं अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए अभी जिंदा हूँ, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।